बीएसएफ के महानिदेशक 3 दिन के दौरे पर जैसलमेर में हैं। डीजी नितिन अग्रवाल ने साउथ सेक्टर के बाद अब नॉर्थ सेक्टर का भी दौरा किया है। जैसलमेर से लगी भारत पाक सीमा पर अग्रिम सीमा चौकियों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। इसके बाद डीजी नितिन अग्रवाल जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात 166वीं वाहिनी के तनौट परिसर में पहुंचे। यहां पर नॉर्थ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र कुमार समादेष्टा और वीरेंद्र पाल सिंह समादेष्टा 166वीं वाहिनी ने उनका स्वागत किया। चागड़ सीमा पर फेंसिंग की सुरक्षा को लेकर डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा, बीएसएफ कई सारे उपकरण यूज कर रही है और उससे जवानों की मदद होती है। तो हमारे जो सैनिक हैं वो बड़े मुस्तैद हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में मिलने आता हूँ कि वो सब अच्छे हाई मोराल से काम कर रहे हैं, चौकन्ने हैं और कोई भी प्रिय घटना या कोई कॉन्ट्रबैंड मूवमेंट में है वो एकदम सजग है, वो सब भी हो रहा है। उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया कई सारे गैजेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनकी उससे उनकी मदद होती है और बॉर्डर सुरक्षा में और स्ट्रेंथ मिलती है। एंटी ड्रोन लग भी गए हैं कई सारे और भी लग रहे हैं, और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आदमी का चौकन्ना होना है। तो ड्रोन की मदद से उस मशीन से उसको नीचे लाते हैं, लेकिन देखता तो हमारा आदमी ही है पहले तो। और ये हमारे को गांव वाले भी बहुत मदद करते हैं, जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो एकदम बीएसएफ के साथ हैं। कोई भी अगर पैकेट मिलता है या ड्रोन गिरता है तो कई बार हम जब ढूंढते हैं खेती में नज़र नहीं आता, तो जिसके भी खेत में मिलता है वो तुरंत बीएसएफ को आके इतला देता है। ज़्यादातर तो ये ड्रग्स का ही मामला है, तो ड्रग्स तो पूरी दुनिया में जिसको भी बेचना है वो बेचेगा ही, सुरक्षा एजेंसी का काम है उसको निस्तेनाबूद करना, तो वो बीएसएफ पूरी तरह से उसको कर रही है। पिछले साल हमने 1000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी थी बीएसएफ ने,